एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जंतर मंतर संसद मार्ग पर भारत की ऐतिहासिक जगह, हाँ भारत की ऐतिहासिक जगह जंतर मंतर, जहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी मांग को लेकर, और कुछ मांगें पूरी होती हैं, कुछ विलम्ब से होती हैं, कुछ शीघ्र होती हैं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव में आए, उन्होंने वायदे करे और जो वादे अभी तक पूरे नहीं कर पाए हैं, उन्हीं वादों को लेकर यहाँ युवा साथी बड़े पैमाने पर जो रेलवे के अंदर अप्रेंटिस की नौकरी करते हैं और चार साल से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार साल से लगातार अपनी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, इनकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेकर यहाँ आए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? चंदन पासवान, ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और हमारे लिए मुख्य मांग है कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जो करवाया जा रहा था उसके तहत में हम लोग आते हैं, जबकि पूर्व की सरकार नियुक्ति देती आ रही थी, तो 2014 के बाद जब से सरकार बनी है हमारी नियुक्ति पे ब्रेक लग गई है, तो उसका कारण से हमारे कई छात्र बेरोजगार हो गए हैं। और जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनावी वादा किए थे कि हमने 2 करोड़ युवाओं को हर एक साल रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक 25,000 युवा को स्किल इंडिया के तहत में रोजगार नहीं दे पाए। ये चुनाव जीतने के लिए युवा वर्ग से जो झूठा वादा किया गया था, माननीय प्रधानमंत्री पे शोभा नहीं देता है। हमारे उच्च एक स्तंभ के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, अगर जो युवा वर्ग से झूठ बोलते हैं ये देश हित की बात नहीं होती है। और हमारे जितने भी साथ हैं 17 जोन में लगातार चार सालों से आंदोलन करता आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार अनसुनी कर रही है, जिसके कारण से कई जोन में छात्र हमारे जान दे दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं भी हेमंत कुमार चेन्नई साउथ में ICF के सामने जान दे दिया, जमालपुर में विवेक कुमार अभी हाल ये 10 दिन पहले जान दे दिया, और दाऊद में भी कुछ लड़का जान दे दिया। टोटल अप्रेंटिस छात्र अपने आप को भुखमरी के कगार पर आ करके और सरकार के द्वारा ठगी महसूस होने के कारण से अपने आप को जान दे दिया। इसके जवाब में प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, हमारी गुनाह क्या है? अगर जो हम डबल स्किल्ड हैं, ITI किए हैं, अप्रेंटिस किए हैं, जबकि पूर्ण की सरकार देती थी, और अच्छे दिन वादा करने के बाद अपने जनता से जो वोट लिया, इससे बढ़िया तो हमारे बुरे दिन थे। आप हमारे बुरे दिन का बुरे कानून लौटा दो, हम उसमें खुश हैं। आप अगर जो नियुक्ति नहीं देते हो तो हमारे बुरे दिन ही लौटा दो, अप्रेंटिस की नियुक्ति पहले मिलती थी वह नियुक्ति मिल जाएगी, और अच्छे दिन का वादा करते हैं। और आप रियल में प्रधानमंत्री अगर जो देश के हित में झूठ बोलने वाला वादा नहीं करते, हम 25,000 अप्रेंटिस को नौकरी मंत्रालय सुरेश प्रभु द्वारा दिलवा दीजिए, क्योंकि लगातार 4 वर्षों से आंदोलन किया जा रहा है। सभी नौजवान हैं, और जैसे कि एक हमारे स्किल इंडिया का प्रताप कुमार रूडी जी का बयान आता है, हमने सिर्फ स्किल्ड किया है, आप ट्रेनिंग दे दिए, आप रोजगार के लिए लोन लीजिए और अपना व्यवसाय के लिए। हम माननीय प्रताप कुमार रूडी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और रेल मंत्रालय सुरेश प्रभु से बात करना चाहते हैं, क्या आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो कि आप बम बारूद का ट्रेनिंग बनाने के लिए, क्या वो अपना फैक्ट्री बना सकता है? अब बना सकता है तो वो अपना माल किसको बेचेगा? और हमने ICF में ट्रेनिंग किया है और ICF में लड़का जान दे दिया, इंजन बनाने का काम, बॉगी बनाने का काम करता है, क्या वो अपना इतना लोन दे सकते हैं कि वो अपना बॉगी बनाने के लिए फैक्ट्री बैठा सकता है? अगर जो हमारी क्षमता रहती फैक्ट्री बनाने की, पगार रहती इतना फैक्ट्री बनाने के लिए, हम अप्रेंटिस नहीं करते हैं। तो हमारी मांग से प्रधानमंत्री हम सुरेश प्रभु जी से मांग करते हैं, आप गरीब सब गरीब के बच्चे हैं, आप बोलते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री, वो गरीबी देखे हैं, आप गरीबी देखे हैं, बोलते हैं कि चाय बेचने वाला एक प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन आज का देश ऐसा हो गया कि स्किल इंडिया वाला को रोजगार नहीं मिलता, चाय बेचने वाला बोलते हैं प्रधानमंत्री बन गया और स्किल इंडिया वाला आज रोड पर बैठा हुआ है। तो भाई इसका कहने का मतलब है कि हम लोग चाय बेचने पर मजबूर, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए तो आज हम लोग को चाय बेचने में मजबूर कर रहे हैं, यही हम लोग का देश का प्रधानमंत्री से साबित होता है। तो हम लोग स्किल इंडिया में जब आते हैं, क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि आप हमें पहले रोजगार में रखें? और ठेकेदारी और बेसिक पे जो लगातार काम हो रहा है, जिसके कारण से रेल को क्षति हो रहा है, बहुत जगह घोटालेबाज हो रहा है, घोटाले बढ़ता जा रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार के लोग के कारण से हो रहा है। अगर जो हम स्किल इंडिया है और काम करेंगे तो बेहतरीन काम उससे कर सकते हैं। और दुर्घटना लगातार रेल में जो हो रहा है स्किल इंडिया के तहत में, स्किल लड़के से काम नहीं लेने के कारण से हो रहा है। और 20% का जो कोटा दे दिया गया है, हम अप्रेंटिस वाले 20% कोटा का दरकिनार करते हैं, हम उसकी मांग को स्वीकार नहीं करते हैं, हम 20% का विरोध करने के लिए 17 जोन का लड़के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी जोन में सभी लड़के अपना विरोध कर जारी रखते हैं। अगर जो हमारी बात को नहीं माना जाता है तो हम
किसी भी समय और कोई भी दिन हम किसी भी बड़े नेता के घर पे जाकर धरना दे करके अपने को घेर सकते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में भी। और सुरेश प्रभु जी से मांग करते हैं, अगर हमारे बात पे नहीं लिया इसका हो सके घटना, और जो लड़का अपना आत्महत्या कर रहा है उसके जिम्मेवारी सिर्फ सुरेश प्रभु को जाएगा। और आत्महत्या करने के लिए लड़का ध्यान है, लड़का का मांग है आप हमें नौकरी दो या तो मौत दो।